हाँ भाई, आ गए हम लोग फिर। पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच है। हम लोगों को तो मतलब आज रात तो नींद आनी नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है पिछले मैच में, लेकिन ये बंदा है, ये आपने देखा होगा जो ये वाली वीडियो थी पाकिस्तान इंडिया की 2023 के वर्ल्ड कप की, उसके बाद से आज आया क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का चल रहा है मैच बड़ा टाइट, और ये अब इसलिए आया कि भाई कल का मैच भी साथ देखना है, जिसमें मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई, सीधी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन ये है कह रहा है ये कि मैं पाकिस्तानी जीतेगा, और हम दोनों की जो है ना शर्ट टाइप लग गई है। तो अब बताओ भाई क्या सीन है लोगों को, और कल का भी बताओ कि बस बारिश का क्या है और क्या सीन बन रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तो बारिश में पीछे बहुत फारे तो हैं। देखिए 40% चांस है, और न्यूयॉर्क की हाँ, विकेट 40% आपको चांस पता है, मैंने है, देखा था। जैसे कि फारिक फारिक तरीन बॉलिंग को काफी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और अभी तक आपने देखा होगा कि आज नेदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा होगा वो आपने, भी वही था, नेदरलैंड ने 103 बनाया जिसमें साउथ अफ्रीका 3-3 हो गया। 104 रन भी हलक में आ गए, 125 रन जो है वो श्रीलंका ने बनाए, वो भी बांग्लादेश ने आखिर में जाके 9 विकेट पे चेस किया और दूसरी आखिरी ओवर में, वो साउथ अफ्रीका और वो वाला जो मैच था तो मुझे अपना ऐसा लगता है कि श्रीलंका कल वाला, ना कोई बहुत ज्यादा ही कोई लो स्कोरिंग मतलब जिसने, मैं ही बोलता हूँ मैच में मजा नहीं आने वाला क्योंकि बॉलर विकेट होगी पूरी। हाँ 130 40 भी जिसने अगर शायद बना लिया, वैसे तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऑल आउट होने वाला अगर पहले बैटिंग करे, और तो अगर मैं लेकिन तो अगर इंडिया भी पहले बैटिंग करेगा ना, इंडिया मतलब ऐसा नहीं है कि 160 70 80 बना देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 35 40 भी बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। सबसे ज्यादा मतलब 152 रन भी जो है ना इस पिच पे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, 152 रन भी जो है वो आपको, 152 रन का क्या मकसद है, 152 रन भी जो है वो आपको इस पिच पे बहुत सपोर्ट करेंगे। या क्या पता अगर इंडिया को बनाए, क्या आप लोग समझ रहे हो ना वो रिपीट हो जाए, बस मुझे तो यही उम्मीद नजर आ रही है पाकिस्तान बस कल अच्छा खेले। बॉडी लैंग्वेज लेकिन पाकिस्तान की यूएसए लैंग्वेज हल्का ले लिया था, यूएसए को बहुत बॉडी लैंग्वेज नहीं बोली, जलील होगा सही ठीक ठाक वाले। बहरहाल कल के मैच की भाई बिग अपडेट तो बता दो कल के मैच की क्या है, कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसपे रोहित शर्मा ने जो है पाकिस्तान टीम को प्रेस किया है, और उनसे सवाल हुआ कि भाई के क्या देखते हैं, मोमेंटम तो बहुत डाउन है पाकिस्तान टीम का, तो रोहित ने ये बोला कि भाई क्रिकेट है, गेम है, हो जाता है, अगर ये मतलब नहीं है कि अगर एक टीम बहुत गंदा खेल के छोटी टीम से हार गई तो अगला भी मैच कंफर्म आ रही है, मैच वो उतना ही बुरे तरीके से, उतना ही बुरा तरीके से खेले। रोहित शर्मा ने ये भी बोला है कि आपने प्रीवियस वर्ल्ड कप में देखा होगा कि जिम्बाब्वे से भी हार गया था पाकिस्तान, लेकिन वो फाइनल्स में थे। हाँ ऐसा है, ये बात भी तो बोली। ये T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये T20 गेम होती है, T20 गेम कब चेंज हो जाए कुछ आइडिया नहीं। ये हाँ कह सकते हैं, अगर ओडीआई टेस्ट होता तो मैं तो बोलता कंफर्म मोहर लगा दो इंडिया ही है। T20 में ये पता है T20 में मसला ये है कि अगर शुरू में ही 3-4 विकेट गिर गई ना, जो हम देखते हैं गिर जाती हैं, इस T20 वर्ल्ड कप में तो गिर रही है, और नसाऊ काउंटी में तो गिरती ही गिरती है भाई। पाकिस्तान और इंडिया सीधी बात है कि एक बहुत बड़ा क्लैश होता है, और इसमें ना मतलब के जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप नहीं गैस कर सकते कि क्या होगा। अब देखें 2021 में क्या हुआ, इंडिया 21-22 सब छोड़ अभी कल का बता दे मुझे बस। नहीं देखो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ना बहुत हाई क्लैश होता है भाई, उसमें जज करना बहुत मुश्किल है कि क्या होता है, और T20 गेम है, T20 में देखो पाकिस्तान भी कभी कभी सरप्राइज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सीन यही है, पाकिस्तान है अनप्रेडिक्टेबल कुछ भाई, हम भी पाकिस्तानी, हमें नहीं पता हमारी टीम कब क्या गोल खिला देती है, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि ओपनिंग किसको देख रहे हो, मैं तो चाहता हूँ भाई बाबर रिजवान चेंज हो, लेकिन एक बात बताऊं कल की पिच बाबर और रिजवान को सूट भी करेगी, लेकिन फकर होना चाहिए ओपनिंग पे, फकर होना चाहिए नहीं भाई, क्या आजम खान को मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अबे भाई हाथी से तो हमें बचा ले कोई, इस हाथी से कोई बचा ले, इस ड्रम के बच्चे को मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता, इस भैंसे से हमें तो बचा लो, हम भाई जो इसका, भी है, बचा इसका लो। काम जो है इस वक्त हमारे यहाँ ना त्यौहार आने वाला है बकरा ईद का, तो इसका काम जो है ना वो बकरा ईद की मंडी में, इसके वहां रेट लगने चाहिए अच्छे, इसका यहाँ काम नहीं है कोई भी। तो और बस यही सीन है, बाकी उम्मीद करते हैं कल बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और कल लाजमी देखेगा इसकी मैं बजाऊंगा, कल काशान भाई जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान के साथ हूंगा, और ज्यादा चांसेस मुझे भी नजर आ रहे हैं कि मैं ही कल बजूंगा। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन काफी सही होती है, अहमदाबाद में क्या हुआ था तो वो आप सबको याद होगा आखिर में, सही है, तो इंडियन जीते हम थे अहमदाबाद में, कौन से तुम जीते फाइनल भाई फाइनल, अच्छा हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ था मैं, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ था मैं। तो खैर भाई यही अपडेट्स थी, और देखते हैं कि अब कल क्या होता है, और विन प्रेडिक्टर आखिरी दफा पूछ ले, अगर मैं तो बोलूंगा कि इंडिया 75-25,
तुम 60-40 नजर आ रहा है मुझे। 60 कौन, इंडिया पाकिस्तान? 60 इंडिया 40 पाकिस्तान। मैं बोलूंगा 75-25। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं कोई चांस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया का बस पाकिस्तान इसी तरह पकड़ सकते हैं, अगर शुरू में रोहित पंत और कोहली को जल्दी निकाल दिया, मतलब जल्दी निकालने से मुराद ये है कि 3-4 ओवर के अंदर 15-20 रन के अंदर अंदर, तो चांस है पाकिस्तान का, अदरवाइज तो। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि कल कोई वन साइडेड मैच नहीं होने वाला। हाँ ये कल बहुत जो है पिच बड़ी गंदी है यार, मसला ये देखने को आपको मिलेगा, दोनों टीम जो है बॉलिंग वैरायटी अपनी दिखा सकती है अच्छी। तो खैर अभी तक के लिए यही था भाई, आपसे कल मुलाकात होती है व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सपोर्ट करें। थैंक यू।